आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रांची के संत पॉल कैथेड्रल का रोचक इतिहास, जो रांची के बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे सबसे पहले। रांची के बहुबाजार स्थित संत पॉल कैथेड्रल CNI छोटा नागपुर डायसिस का प्रमुख गिरजाघर है। 12 सितंबर 1870 को छोटा नागपुर के कमिश्नर जनरल ET डाल्टन ने इसकी नींव रखी। रेव एम बाड़ा ने अपने लेख संत पॉल कैथेड्रल का निर्माण में कई रोचक जानकारियां साझा की है। उन्होंने बताया कि इसकी नींव के पत्थर में 1.5 फीट गहरा और 6 इंच चौड़ा गोलाई लिए एक छेद बनाया गया। इनमें एक बोतल में एक मोटे कागज पर नींव डालने की डेट, अनुमानित खर्च और प्रमुख लोगों के नाम लिखकर डाला गया है। इस गिरजाघर के सबसे ऊपर 5 फीट की छड़ है, जिस पर वायु की दिशा बताने वाला एक 3 फीट का तीर है। इसे निर्दोष चतुर नाम के एक व्यक्ति ने बनाया, जो छोटा नागपुर में पहली बार मसीही बनने वाले 4 लोगों का अगुआ था। छोटा नागपुर में चर्च की स्थापना में अंग्रेज कमिश्नर और कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। छोटा नागपुर डायसिस की शतवर्षीय स्मृतिका के अनुसार इसके निर्माण में कुल 26,000 रुपए खर्च हुए थे। CNI छोटा नागपुर डायसिस द्वारा बिशप वेस्कॉट सहित 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल, संत पॉल स्कूल सहित 8 बॉयज स्कूल, संत मार्गेट सहित 7 गर्ल्स स्कूल, संत बर्नावास सहित 6 अस्पताल, संत कोलंबस हजारीबाग सहित 3 कॉलेज, 1 BEd कॉलेज और 1 नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इस चर्च ने 29 सितंबर 1898 को संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय की स्थापना की, जो देश का दूसरा नेत्रहीन विद्यालय है। संविधान सभा में आदिवासी अधिकारों की पुरजोर वकालत करने वाले जयपाल सिंह मुंडा ने रांची स्थित संत पॉल स्कूल से पढ़ाई की थी। संविधान में आदिवासी अधिकारों को जो मान्यता मिली है, इसमें जयपाल सिंह मुंडा के संघर्षों और दलीलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पे इस कैथेड्रल को विशेष रूप से सजाया जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।